क्या बीजेपी के सितारे गर्दिश में हैं? क्या बीजेपी की नैया डावाडोल है? क्या आंतरिक सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है? और क्या बीजेपी की डावाडोल स्थिति सपा के लिए वरदान साबित होगी? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब इसे ये खुलासा हुआ है कि बीजेपी ने जिन सीटों पर 2019 में जीत दर्ज की थी उन पर भी हार का खतरा मंडरा रहा है। जिन सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी वहां अब बीजेपी की स्थिति खराब है। इन सीटों में सपा के गढ़ के नाम से मशहूर बदायूं, फिरोजाबाद, रामपुर और इटावा सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने सीक्रेट आंतरिक सर्वे इसलिए शुरू किया था कि वो स्थितियों को भांप सके। बीजेपी को लगा था कि थोड़ी बहुत कमी निकलेगी, उसको सुधार लिया जाएगा, लेकिन यहां थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब दिखी। अब हाल ऐसा है कि बीजेपी परेशान है और सपा मजे ले रही है। स्थिति का पता चला तो फिर अखिलेश यादव ने मामले पर सोशल मीडिया पर जो कहा उसने तो बीजेपी के तन बदन में आग लगा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि अब भाजपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। #80 हराओ भाजपा हटाओ। 2019 में सपा और गठबंधन ने बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोषी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीटें सपा के हाथ से निकल गई। इसके बाद से समाजवादी पार्टी के पास सीटों की संख्या कम हो गई और बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ गई थी। 2024 का चुनाव नजदीक आया तो बीजेपी ने आंतरिक सर्वे शुरू करवाया और बीजेपी को लगा कि आंतरिक सर्वे शुरू होगा तो उसे उसकी सियासी स्थिति के बारे में पता चलेगा, कौन सी लोकसभा सीट पर बीजेपी कमजोर है और कौन सी लोकसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति अच्छी है, यह भी पता चल जाएगा। लेकिन आंतरिक सर्वे की जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने बीजेपी और बीजेपी के आलाकमान को चौंका दिया। आंतरिक सर्वे ने साफ कर दिया कि प्रचंड जीत जहां बीजेपी ने हासिल की थी वो सीटें भी अब उसकी रेड जोन में है और बीजेपी वहां पर हार सकती है। बीजेपी को जैसे ही यह संकेत मिला तो बीजेपी में खलबली मच गई। बीजेपी को नहीं समझ आ रहा कि इन सीटों पर कैसे मतदाताओं का भरोसा जीता जाए और कैसे 2024 में जीत हासिल की जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी को जैसे ही भनक लगी कि जिन सीटों पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पटखनी दी थी अब उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है और बीजेपी की स्थिति डांबाडोल है, उसके बाद अखिलेश यादव और सपाइयों का जोश हाई दिखाई दे रहा है। खासकर बदायूं जैसी सीट पर तो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार अब अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सपा का गढ़ रही बदायूं को फिर से हासिल किया जाए और यहां पर अपना एक छत्र राज कायम किया जाए। इसके अलावा चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, इन सीटों पर भी बीजेपी की स्थिति डावाडोल दिखाई दे रही है और इन हालातों में बीजेपी के पास सिवाय चिंता करने के और कुछ नहीं बचा है। बीजेपी को लगता था कि वो दोबारा से इन सीटों पर जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव ने जब से ये बात सामने आई है उसके बाद से हल्ला बोल और तेज कर दिया है। अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर जहां पसीना बहा रहे हैं तो वहीं सियासी तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की क्लास ले रहे हैं। मतदाताओं को कैसे पार्टी के हक में करना है उसके लिए भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और अखिलेश यादव की मेहनत का असर भी दिखाई देने लगा है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे के बाद उसके आलाकमान में खलबली का माहौल है तो वहीं समाजवादी पार्टी जश्न मनाने के लिए तैयार है। सपाइयों को लगता है कि रेड जोन वाली बीजेपी की सीटें इस बार सपा के खाते में आएंगी और समाजवादी पार्टी उनको अपनाने के लिए लगातार अब मेहनत कर रही है और इन सीटों पर खास तौर से रणनीति बनाई जा रही है ताकि रेड जोन वाली सीटें सपा अपने खाते में कर सके। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी सपा सत्ताधारियों को कड़ी चुनौती दे सके। देखना यह है कि बीजेपी रेड जोन वाली सीटों पर अब क्या रणनीति बनाती है ताकि वो जीत हासिल कर सके और कैसे रेड जोन वाली बीजेपी की सीटों को समाजवादी पार्टी अपने खाते में जोड़ पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अखिलेश यादव अब लगातार प्रभारियों के साथ में जहां संपर्क साध रहे हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं को भी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाई जाए और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आवाम को अपने पक्ष में लाया जाए। पुरानी सपा सरकारों की जो अच्छी पॉलिसियां रही हैं, अच्छी योजनाएं रही हैं, विकास कार्य रहे हैं, उनको लोगों को बताया जाए और लोगों के भरोसे को जीता जाए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से कहा है कि लहजा नरमी का होना चाहिए ताकि लोगों को आपसे शिकायत ना हो और अगर शिकायत हो भी तो आपके लहजे से वो दूर हो जाए। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की हिदायतें कितना असर करती हैं, उनकी रणनीतियां कितना असर लाती हैं और कैसे 2024 में बीजेपी को समाजवादी पार्टी पटखनी दे पाती है।